आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में स्वच्छता के क्षेत्र में आदर्श बाजार बनाने की कवायद को शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर ने आज शहर के दीप कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक ली। बैठक में कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर ने व्यापारियों के साथ स्वच्छता को लेकर चर्चा की है। बैठक के दौरान कलेक्टर लैया राजा टी सहित नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना, समाज सेवी कमलेश सचदेव सहित व्यापारी गण उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य रीवा को स्वच्छ बनाने व दीप कॉम्प्लेक्स बाजार को आदर्श बाजार बनाने को लेकर था। कलेक्टर ने प्रशासन, नगर निगम और व्यापारियों की भूमिका क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा कर निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान राहुल टंडन को दीप कॉम्प्लेक्स का अध्यक्ष घोषित कर व्यापारियों की कमेटी बनाकर चार बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी गई। इसमें हर दुकान में डस्टबिन, पॉलीथीन सहित अवश्य हो, पार्किंग को व्यवस्थित किया जाए और दुकानों के बाहर बरामदे में सामान न रखा जाए। बड़े शोरूम वाले एवं कॉम्प्लेक्स मालिक अपने यहाँ सार्वजनिक बाथरूम की व्यवस्था करें। बैठक का संचालन मनीष गहोई ने किया। इस दौरान प्रतिष्ठित व्यवसायी अमित सोनी, चमन सोनी, अनिल बुधवानी, गोवर्धन, सुभाष थावानी, मनीष गहोई, राजा आहूजा, हनी बलानी, जयराम मंगवानी और दीप कॉम्प्लेक्स के प्रतिष्ठित व्यापारी और रीवा व्यापारी महासंघ के संजीव गुप्ता, गुलाब साहनी, परमजीत सिंह डंग, अध्यक्ष महेश हिरवानी, देवेंद्र चुगानी सभी ने कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन से मार्केट की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, ये फॉर्मल इंटरेक्शन नहीं है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन होना चाहिए। नमस्कार, तो जैसे इसका मीटिंग का पहला उद्देश्य है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमको हर संडे में कुछ काम करना चाहिए और सिटी को आगे बढ़ना चाहिए। रीवा आप लोग देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी कुछ है ना तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बट उसके साथ साथ है ना काफ़ी कुछ हमें बिहेवियरल चेंजेस चाहिए सिटी के होने के नाते। सिटी का नागरिक का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उसमें सबका रोल है, नगर निगम का, लोकल प्रशासन का, पुलिस का और व्यापारी, आम नागरिक सभी का है ना छोटी छोटी रोल है। सभी लोग अपना अपना रोल निभाएंगे तो आपका ये सिटी एक ब्यूटीफुल सिटी बनेगी और हर व्यक्ति को हर चीज़ है ना कन्वीनियंस के साथ, कंफर्टेबिलिटी के साथ होगी। तो हम लोग जब है ना डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में कि हर संडे हमको श्रमदान करना चाहिए या फिर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए सिटी का, जैसे हमारे बीच में एक उदाहरण हमारा प्रदेश में है कि इंदौर बिजनेस हमारा है, ऐसे तो नहीं है कि हम लोग नहीं बन सकते हैं। तो जैसे हम कोविड का टाइम पे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रशासन ने कुछ किया है, इसमें काफ़ी सारा जो टीम वर्क हुआ है, इवन आपका ही है ना बीच में काफ़ी सारा वॉलंटियर्स हैं।